आ गिलास आधे एमपी को फाड़ ले पार रहे हैं। मैं कहना वैसे ही पहले विच कुछ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम ये बॉयल होती पकती हुई जो हमें रस लेके आए हैं, गन्ने की रस हमने साफ लिया, इसमें से मैल वगैरह जो बिल्कुल उतरी हुई है, तो अभी हम इसके साथ बनाएंगे गन्ने के रस वाली खीर बना जी। तो हमने ये जो गन्ने का जूस है ये हमने लिया है 5 लीटर है, ये देखें बिल्कुल साफ है। और ये हमारे पास ये 1 किलो चावल है, ये हम इसमें पहले शामिल कर देंगे। चावल जो है हमने साफ करके भिगो दिए थे, ये तो हमने आग जला दी है, अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन इंशाल्लाह हमारी आधे घंटे। ये हमारे चावल जो हैं बॉयल होने लग गए हैं, जी ये खीर जो है हमारी पक रही है। तो इसके लिए हमें इसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं करनी है, हमने इसमें जो भी जो रस वो शामिल की है वो पहले इसमें मीठा होता है, इसमें नमक भी नहीं डालना, ऐसे हम इसको पकाते रहेंगे। इसमें सिर्फ चावल हमने पहले शामिल कर लिए थे, मीठा जो है इसमें पहले ही मीठी रस इसमें है, गन्ने की रस, और कुछ भी नहीं डालना, इसको सिर्फ पकाना है। तो आपने अगर शहर में बनानी है तो उसके लिए चाहिएगा, हमने तो रस जो है बिल्कुल साफ ले ली थी, वो उधर गुड़ बन रहा था उधर से हमने निकाल ली थी। तो आपने गन्ने की रस ले ली बाज़ार से, ले कर जब उसको बॉयल करना है तो उसमें आपने उसकी दही की जो लस्सी है वो थोड़ी थोड़ी बीच में डालते जाना, और उसकी जो जितनी भी उसमें डस्ट या मैल वगैरह ऊपर आती रहेगी, आपने रस को पहले क्लीन करना है, फिर चावल जो शामिल करने हैं आपने। तो अगर आपको वो जो दही की लस्सी नहीं मिलती तो आप ऐसा करें दूध ले लें, और दूध में जो है उसके बराबर तकरीबन पानी शामिल करके कच्ची लस्सी बना लें, वो थोड़ी थोड़ी शामिल करेंगे, उसके साथ भी जो है ये इतनी भी इसमें डस्ट होती है मैल वगैरह होती है उसकी, वो जो है वो साफ़ हो जाती है बिल्कुल। ये खीर जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, तो ये शामिल करेंगे, ये देखो
इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारे पास ये गरी है, गरी हमने कटिंग की हुई है, और ये मूंगफली है, और ये मेवा है, ये सारे मेवा जात जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। और माशाल्लाह ये देखें मज़ेदार खीर जो है गन्ने की रस की तैयार है। अब हम इसको नीचे उतारेंगे और इसको सर्व करेंगे। अब हम इसको नीचे उतारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह लुक कितनी प्यारी है, बहुत मज़ेदार होती है ये। आप भी बनाइएगा, खाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम।